बॉलीवुड में इन दिनों कई ऐसी फिल्में आ रही है जो राजनीति को हलचल दे रही है, और इसी कड़ी में एक फिल्म गेम ऑफ अयोध्या जल्द ही आ रही है। हमारे साथ है इस फिल्म के निर्देशक सुनील सिंह, आइए बात करते हैं उनसे। सुनील सर, आपका स्वागत हो बॉलीवुड सन डॉट कॉम में। गेम ऑफ अयोध्या काफ़ी उमदा विषय है, कैसे चुना आपने इस विषय को करना? देखिए, अयोध्या इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। हम लोग एक फिल्म अवार्ड फेस्टिवल देख रहे थे तो ऐसे ही दिमाग में आया कि अयोध्या के बाहर की फिल्में दिखाई जा रही थी। हमने कहा आज तक किसी फिल्म ने ऑस्कर जीता? तो लोगों ने कहा किसी फिल्म ने ऑस्कर जीता नहीं, नामित जरूर हुई। हमने कहा यार देश का सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या, उस पर पिक्चर बननी चाहिए। मुझे लगा शायद बन भी गई होगी, लेकिन दुख हुआ जान करके कोई फिल्म नहीं बनी। तो उसी समय हमने इसका स्टोरी का प्लान किया और फिर 3 साल में इसका, चूँकि सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें हम नहीं कर सकते, हमारी 2014 तक स्टोरी लिखी गई, फिर किसी कारण से नहीं शूट हुई, 2016 में पिक्चर शूट हुई। मुद्दा यह है कि देश में इसके मुद्दे के ऊपर ही देश में सब कुछ हुआ, चाहे बॉम्बे के बम ब्लास्ट हों 12 मार्च 1993 को, वो इसके कारण थे अफेक्टेड, जिसके ऊपर बॉम्बे फिल्म बनी, चाहे गोधरा का कांड हो जिसके ऊपर परजानियां बनी। इस फिल्म के बाई प्रोडक्ट के ऊपर तो कहानियां बनी, लेकिन मूल विषय के ऊपर किसी ने कहानी नहीं बनाई। तो हमारा प्रयास था कि जनता तक वो सच जाए कि अयोध्या क्या था, क्या चीज़ है अयोध्या, तो वो दिखाने का हमने प्रयास किया है। और चूँकि कोई भी फिल्म डॉक्यूमेंट्री के तौर पर नहीं देखना चाहता, तो ये पिक्चर एक लव स्टोरी है, कहानी है। हाँ, ये है कि ये उस दौर की कहानी है, जिस देश कहानी में जब हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम चल रहा है देश में, उस दौर में हिंदू और मुसलमान की प्यार की कहानी है। पिक्चर एक अच्छा विषय है और उम्मीद करते हैं कि वो सच जो लोग नहीं जानते, क्योंकि 40 साल के जो आज नौजवान हैं उस समय 15 साल के थे, जो 25 साल इस वर्ष 6 वर्ष दिसंबर को होने जा रहे हैं, जो 25 साल के लोग हैं वो तो पैदा ही नहीं हुए थे उस समय। तो ये उन लोगों के लिए जो 40 साल तक के लोग हैं, उनके एक अच्छा सब्जेक्ट है कि वो जाने देश में क्या हुआ था। और ये फिल्म उन बेगुनाहों को भी श्रद्धांजलि है जो उस दंगे में मारे गए, जितने बेगुनाह उस दंगे में मारे गए हैं, जिनको ये भी नहीं पता था कि वो क्यों मारे गए, उन बेगुनाहों को श्रद्धांजलि है जिनके हम नाम भी नहीं जानते। ये फिल्म उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। जी बिल्कुल, ये फिल्म का जो टाइटल है गेम ऑफ अयोध्या भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो क्या यही टाइटल था, इससे पहले भी कोई अन्य टाइटल था? देखिए, फिल्म जब उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में अयोध्या में शूट हो रही थी, तो निश्चित रूप से जान लीजिए अयोध्या के नाम से कोई फिल्म शूट नहीं हो सकती। तो उस पे समय में टाइटल हम लोगों ने गेम ऑफ पावर करके शूट किया था, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम गेम ऑफ अयोध्या करेंगे तो पिक्चर कभी शूट ही नहीं हो सकती। तो जब हम इंटरव्यू भी ले रहे थे वहाँ पर, मस्जिद में भी कर रहे थे और इंटरव्यू भी ले रहे थे उन लोगों का जो हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष हैं, तो इंटरव्यू लेने तक में पूरा जिला प्रशासन हरकत में आ गया था कि क्या हो रहा है, इनका इंटरव्यू क्यों हो रहा है, पूरा LIU से लेकर जिला प्रशासन से लेकर पूरा हरकत में आ गया था। तो सवाल इस बात का है कि ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, किस मुद्दे पे अयोध्या नाम लेके तो पिक्चर बन ही नहीं सकती थी। तो हमने गेम ऑफ पावर के नाम से शूट करी थी, और उसके बाद में हमें पता था कि लोगों को, हमारे जो कलाकार हैं उनको भी हम पूरी कहानी नहीं बताते थे, इतना कहते थे कि आप अपने पात्र से कंसंट्रेट करो। और ये तक मना था कि हमारे सेट पर कोई भी बाहर का नहीं आएगा, इनफैक्ट उनके रिश्तेदार तक नहीं आएंगे जो हमारे कलाकार शूट कर रहे हैं, ये तक हम लोगों ने वो लेकर चला ताकि हमारा ये प्लान बाहर ना जाए। इनफैक्ट जब हम पहले दिन लखनऊ में शूट कर रहे थे, दूसरे तीसरे दिन, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर न्यूज़ लगा दी थी लखनऊ टाइम्स में, तो उन्होंने उसको पता नहीं कौन सा नाम लेकर दे दिया था कि ये पिक्चर उस आयोग को लेकर है और ये नाम गेम ऑफ पावर उस स्टोरी को, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता चला था कि सच क्या है और किस लिए है। तो बेसिकली हमने कर नहीं करते तो पिक्चर शूट नहीं हो पाती। टाइटल के लिए भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आई वैसे? हाँ वैसे जान लीजिए, टाइटल के लिए तो दिक्कत आती है, गेम ऑफ अयोध्या अयोध्या नाम से तो कोई टाइटल बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसलिए हमें गेम ऑफ अयोध्या करना पड़ा, क्योंकि अयोध्या नाम से तो टाइटल हो ही नहीं सकता जी। वैसे जो कहानी है हिंदू मुस्लिम की लव स्टोरी है, साथ ही बैकड्रॉप जो है अयोध्या का है, तो कितना कुछ रिसर्च करना पड़ा आपको इसके लिए, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है? देखिए, इसका रिसर्च, ये इतनी अच्छी स्टोरी है कि इसके ऊपर हम कुछ अपने आप नहीं बोल सकते। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ऊपर जो कुछ हुआ उसमें हम कुछ नहीं बोल रहे, जो कुछ बोल रहा है लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट बोल रही है, उस समय के तथ्य बोल रहे हैं, उस समय के न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, उस समय की कहानियाँ बोल रही हैं जो अखबारों ने प्रकाशित करी हैं। हम कुछ नहीं कहते कि गलत चीज़ कुछ भी बोले, हमने एक प्यार लव स्टोरी को उस कहानी के साथ में कंबाइंड करके पिक्चर बनाई है, और इसमें कुछ भी चूँकि गलत नहीं बोल सकते, किसी कोई भावनाएं आहत नहीं हो, तो बहुत संभल के बनाना पड़ता है, और प्रयास ये होता है कि इस फिल्म से अच्छा संदेश जाए, इस फिल्म से डिवाइड ना हो, हिंदू और मुसलमान आपस में ना लड़ें, बल्कि हिंदू मुसलमान देश की दो आंखों की तरह एक साथ रहें, पिक्चर का प्रयास यही है। वैसे जो फिल्म है गेम ऑफ अयोध्या काफ़ी समय तक CBFC में फंसी रही और अभी जाके उसको अनुमति मिली है, तो इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ा और आखिर में अभी क्यों मिली अनुमति? देखिए, तो अनुमति देने वाले बता सकते हैं कि कब अनुमति देते हैं, पर हमें अभी अक्टूबर में अनुमति दी है, तो हम रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ बंबई में प्रहलाद नीलानी साहब जिस समय बोर्ड में थे, उन्होंने तो पिक्चर को पूरी तरह बैन करके रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद पिक्चर दिल्ली में गई, काफ़ी 8 महीने वहाँ भी अटकी रही, और अब उन्होंने दिया है तो हम अपना रिलीज़ करने का काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं देते तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, हम तो तैयार थे उस बात के लिए। जिस दिन हम पहले दिन शूट पर गए थे, हमें मालूम था कि पिक्चर रिलीज़ होने में बहुत दिक्कत आएंगी,
तो लेकिन हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि अगर देश में सच बोलना गुनाह है तो हम गुनाह कर रहे हैं, और हमने सच बोलने का काम किया है जो हमने पिक्चर के माध्यम से दिखाने का काम किया है। साथ ही अभी गुजरात इलेक्शन आ रहे हैं तो किस तरह का असर होगा ये फिल्म से? देखिए, जब भी अयोध्या का नाम होता है तो असर तो आ ही जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ पर दीपक जलाते हैं 187,000 अयोध्या में, तो भी असर आ जाता है। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि जब अयोध्या के नाम से ही असर आ जाता है तो गेम ऑफ अयोध्या के नाम से तो बहुत कुछ असर आएगा। अब कितना असर आएगा आने वाला समय बताएगा। हम जानना चाहेंगे कि क्या ये फिल्म जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी से बायस्ड है या न्यूट्रल है, आपके हिसाब से ये फिल्म क्या है? देखिए, इस फिल्म के पीछे ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना इस फिल्म के पीछे कुछ है। इस फिल्म के पीछे इस देश का वो सच है जो इस देश का नौजवान नहीं जानता, उसको जानना चाहिए। इस फिल्म के पीछे वो है, वो सच्चाई बताने का प्रयास किया है जो नौजवान को जाननी चाहिए कि क्या हुआ। आप ये जानते हैं मस्जिद गिरी, लेकिन मस्जिद पीछे के क्या कारण थे, क्या कारण थे कि देश में ऐसा वो कुछ हुआ। तो ये एक सच बताने का प्रयास किया है। जहाँ तक राजनीतिक दल है तो हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे साथ कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई राजनीतिक दल आ जाए तो हम लोगों को अच्छा हो, पर अफसोस है कि हमें कोई भी राजनीतिक दल हमारे पीछे नहीं है। अगर होगा तो निश्चित रूप से हमारे कोई नुकसान नहीं है उससे होने वाला। जैसे कि ये फिल्म का जो बैकग्राउंड है, बैकड्रॉप है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू है, तो इसको लेके क्या आपको लगता है कोई कंट्रोवर्सी होगी और किस तरह से आप निपटेंगे अगर कंट्रोवर्सी होगी तो? देखिए, अगर कंट्रोवर्सी होगी तो उसको जो भी तरीके हैं, चाहे कानूनी लड़ाई हो, चाहे जो भी देश का कानून कहता हो उसके हिसाब से उसको निपटा जाएगा। अगर सेंसर पिक्चर को रिलीज़ कर रहा है तो कोई देश प्रदेश की सरकार भी नहीं रोक सकती है। तो हमारे देश के मंत्री भी कहते हैं, चाहे अरुण जेटली साहब हो चाहे पीछे की सरकार के मंत्री हों। तो अब देखते हैं कि कोई अगर इसमें दिक्कत आएगी तो आप सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग हमारी मदद करेंगे। ये फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, अमर सिंह जी आए थे, तो उनसे क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिली थी आपको? देखिए, अमर सिंह जी ने जब देखा था तो यही कहा था कि विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर अब तक किसी ने फिल्म नहीं बनाई, और एक अच्छा प्रयास है पिक्चर बनाना, लोगों को बताना। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया भी था उस समय इसके बारे में, और उनका है कि कहना कि निश्चित रूप से एक अच्छा विषय, और अगर अच्छा विषय जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम होंगे। फिल्म के कलाकारों की बात की जाए तो आपने भी एक्टिंग की, एक प्रेस रिपोर्टर का रोल निभाया हुआ है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? साथ ही एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों आप कर रहे हो। नहीं नहीं, देखिए, इसमें तो फिल्म में काफ़ी कलाकार हैं, और ये फिल्म कोई कलाकार बेस्ड नहीं है, फिल्म एक स्टोरी बेस्ड फिल्म है। और फिल्म में मकरंद देशपांडे जी जैसे, अभय भार्गव जी जैसे, अरुण बख्शी जी जैसे स्टेज के काफ़ी नामी कलाकार हैं, संजय ददीच हैं आपके, और भी ये हैं हमारी, काफ़ी अच्छे कलाकार इस फिल्म में हैं जो स्टेज के हैं। और जब ये लोग फिल्म होते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा कलाकार होता है तो फिल्म में डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा कुछ करने का, बस उनको समझाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता। और रोल तो एक पत्रकार का है, जर्नलिस्ट का है। अब जैसे लोग, क्योंकि जर्नलिस्ट ही जानता है कि देश में क्या क्या चल रहा है। अब वो उस दौर की कहानी है जब वो जर्नलिस्ट अडवाणी जी की यात्रा कवर कर रहा था, देश में क्या क्या हुआ उसने देखा था, ये कहानी उस दौर की। जी बिल्कुल। जाते जाते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आपकी फिल्म के ज़रिए? फिल्म के ज़रिए ये है कि इस देश में कहते हैं कि सिर्फ वो चलते हैं, आपके क्या नाम है, बड़े एक्टर चलते हैं। आज तक बॉलीवुड में कहा जाता है बड़े कलाकार चलते हैं, शाहरुख जी हों, सलमान जी हों, बड़े कलाकार अक्षय जी हों, तभी फिल्में चलती हैं। यहाँ कहानी की फिल्में नहीं चलती, कहानी बेस्ड फिल्में नहीं चलती, ऐसे जनरल मानना है। हमने एक प्रयास किया है कि हमारा सब्जेक्ट जो है इस देश की सबसे बड़ी घटना को लेकर है, और हमारा सब्जेक्ट ही हमारा स्टार है। हमारे पास कलाकार तो हैं, स्टार नहीं है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा स्टार है। और हम देखते हैं कि हमारे देश का नौजवान जो सच जानना चाहता है, जिसको जानना चाहिए, वो इसमें आगे आए, तो निश्चित रूप से एक देश में एक बदलाव आएगा, लोग सच जानेंगे और आगे चलकर एक अच्छी बात बनेगी। यही हमारा प्रयास है। तो हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान इस फिल्म को देखे, और इसको देखने के लिए अगर उसको जो भी कुछ है अपना करे। हम तो कई JNU हो, जामिया हो, इसमें भी फिल्म दिखाने का प्रयास करेंगे, और चाहते हैं कि नौजवान तक पहुँचे और देश का नौजवान जाने कि सच क्या है, क्योंकि लोग जानते नहीं है कि सच क्या है, ये सच जानने का हमने प्रयास किया है। काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है आपने हमको। वी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सुनील सिंह, जिनकी फिल्म गेम ऑफ अयोध्या जल्द आ रही है। कैमरामैन गोविंद के साथ विदिता प्रताप, बॉलीवुड सन.com, मुंबई।